हमेशा वुमेंस या गर्ल्स को बोला जाता है तुम ये नहीं कर सकती, बट उनमें से कुछ इस बात को नहीं मानती और पूरे दुनिया को दिखाती हैं कि वो क्या कर सकती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे वो फर्स्ट वुमेन जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो क्या कर सकती हैं और वो किसी भी आदमी से कम नहीं, और लाखों लड़कियों ने उन्हें अपना आइडल बनाया। वेलकम टू क्यूरियोसिटी स्टोर, लेट्स बिगिन। इस लाइन के साथ वीडियो शुरू करते हैं। पीपल यूज़ टू से दैट बॉक्सिंग इज़ फॉर मैन नॉट फॉर वुमेन। आई थॉट आई विल शो देम समडे, आई प्रोमिस माई सेल्फ एंड आई प्रूव माई सेल्फ। ये वीडियो दिखाता है कि अगर वोमेन नए फील्ड में जाना चाहती हैं तो उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। नाउ सबसे पहले देश के सबसे बड़े पोस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारे देश की 12th प्रेसिडेंट थी और ये 25 जुलाई 2007 में इस पोस्ट पे गई थी और 2007 से लेकर 2012 तक ये प्रेसिडेंट रहीं देश का। अब नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, ये हमारी थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी। ये इन्होंने 1966 टू 1977 तक देश को चलाया और 1971 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला। इनके काल में बहुत कुछ हुए, बांग्लादेश में से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराना एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन टू विन नोबेल प्राइज़ मदर टेरेसा, इन्होंने ये पीस में मिला था इनको नोबेल प्राइज़, और इन्होंने बहुत काम किया था गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को खाना खिलाने में, उन्हें पालने में, और पूरी दुनिया ने इसे सराहा और इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया। नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया किरण बेदी, इन्होंने 1972 में आईपीएस ज्वाइन किया था। किरण बेदी यूएन सिविल पुलिस एडवाइज़र भी रह चुकी हैं 2003 में, ये भी फर्स्ट वुमेन इसमें भी थी। नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी, ये जज सुप्रीम कोर्ट में रही थी 1989 से 1992 तक। नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट सुचित्रा कृपलानी, ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थी और नेता भी थी। इन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट संभाला था 1963 से लेकर 1967 तक। नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट वोमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरोजनी नायडू, इनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इन्होंने भी यूपी का ही गवर्नर बनी थी, ये 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949 तक। नेक्स्ट देखें तो इंडियन वोमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल, इन्होंने 1984 में फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ी थी। नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार, इन्हें अनोपोज चुना गया था लोकसभा का स्पीकर, और ये 2009 से लेकर 2014 तक लोकसभा का स्पीकर रही थी। नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड रीता फारिया, इन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल 1966 में जीता था और ये फर्स्ट एशियन वूमेन भी थी ऐसा करने के वाली। नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट इंडियन वूमेन टू विन मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, इन्होंने 1994 में मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता था। इन्होंने उसी साल मिस इंडिया का भी क्राउन जीता था। अब नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट वूमेन रूलर ऑफ इंडिया रजिया सुल्तान, ये फर्स्ट और लास्ट भी रही थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 टू 1240 तक ये सुल्तान रही थी। नेक्स्ट बात करें तो मैरी कॉम द फर्स्ट इंडियन वोमेन बॉक्सर टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम, ये 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुकी हैं, ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी 2010 के ओलंपिक में, और इन्हें काफ़ी नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं जैसे पद्मश्री पद्म विभूषण पद्म भूषण राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पद्मश्री अर्जुन अवार्ड सारे इनको मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन, ये फर्स्ट एवर फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था अपने टाइम में, पर वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए ऐसा की थी। नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी प्रिया झिंगन, ये
जिस बैच की थी उसमें 25 ऑफिसर ने ज्वाइन किया था, पर ये इनका कैडेट नंबर 1 था तो इन्हें फर्स्ट माना जाएगा। ये उसमें सिल्वर मेडलिस्ट भी रही थी। नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट इंडियन वोमेन इन स्पेस कल्पना चावला, ये नासा की तरफ से स्पेस में गई थी और वापस आते समय इनका डेथ हो गया था। फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन बुकर्स प्राइज अनु दत्ती रॉय, इन्हें अपने बुक द वर्ल्ड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड आशा पूर्ण देवी, ये 1976 में इन्हें अपने नोबल द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए ये अवार्ड मिला था। अब नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोरा, ये पहली वुमेन थी जिन्हें 3-स्टार फ्लैग मिला था इंडियन नेवी में भी इंडियन आर्मी में भी, और ये एक सर्जन थी। और नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस संतोष यादव जी, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, एक बार मई 1992 में, एक बार फिर नेक्स्ट ईयर मई 1993 में। और लास्ट बात करें तो द फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन बैडमिंटन एट ओलंपिक साइना नेहवाल, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था लंदन में 2012 के ओलंपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।